कब आएगा मजा? आओ ये बात यार, तू तो सचमुच कटक है लग रहा है रंपत। तो क्या समझता मुझको, कोई कसर बाकी ना रहे। ये बता, हटो जरा। अरे ये बता नास पीटो, हम अच्छे भले घर में रह के रोटी बना रहे थे, बच्चों को देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तुम लोग तो आया साथ में हमको भी ले आए। अब देख सुन, मेरी बात सुना पहले। बोल। तुम्हारी तो चर्बी छटेगी छटेगी, साथ में हमारी भी चर्बी तुम छटवाओगे। हमारे होते हुए कुछ नहीं हुआ है। अरे ये नाराज, एक बात बता, जब तू नाचती थी तो तेरा क्या असर पड़ता था? लोग समझते नहीं थे, आज तू जिस पोशाक में है, जिसे कह दी आप हरामजादा, वो डर के मारे कांपने लगेगा, थर थर पैंट गीली हो जाएगी, निकाल बंदूक, चल मेरे साथ। कहाँ चला जाए? और सुन, आज से रोटी कचौड़ी पकौड़ी सब छोड़ दे, इस पकौड़े का ध्यान रख। मेरे पकौड़े का क्यों ध्यान रखेगा? अपने औलाद समझ इसको। हम गिरोह के सरदार हैं। अच्छा, रंपत सिंह। हाँ। और ये रंपताइन है। आहा, ये तुम रंपत हो, ये रंपताइन है। अबे क्यों जा रहा इधर उधर, इधर आओ, तुम्हारा हुकुम चलेगा, काम इसका होगा। हाँ। ये ध्यान रख, आज जाकर कहीं डालना है। हाँ। कहाँ? चल चौपाल में चलते हैं। चल चल के देखते हैं, वही मुखिया, वही के सारे के पकड़ के 10-20 हंटर, दो चार पार गांव में चल, जौन मिल जाओ का लूट लिया। सुनो, नाम किसका बदनाम करोगे? ना, ले अबे हम पहले बता चुके हैं, नाम उसका, काम अपना। हाँ। हम लोग करेंगे। हाँ। नाम उसका लेंगे। ये हुई ना बात, कैसे रहेगा? तो तुम्हारी तो छाटे का चर्बी साथ में हमारी भी। अबे ये हुई मर्दों वाली बात, हाथ मिला ये बात। चल चलो, चल। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, सब यहीं बैठ जाओ दम साधे। चला बे हो, ये है उसके गिरोह का आदमी। क्यों? सही था ना बे? ये वही है ना? हाँ। जो वहां था? हाँ। यही था, यही। इसको तो जरूर समझो कायदे से। कुछ नहीं ना, तो तुम्हारा ऊपर टिकट कटेगा, ध्यान रखना। तुम लोग के पास क्या क्या है? सुमन सिंह। हाँ। इसको रोक के रखो, पहले इनको देखो और इनको हटाओ, इनको तलाशी लो, लूटो सब की लो। जौन कुछ हो सब निकाल दो, सब वही जमीन में रख दो, पैसा कौड़ी जब्त लिया। वायरलेस लिए। कुछ नहीं ना, कुछ नहीं है। इनके पांच पांच हंटर लगाओ। इधर आ, एक एक कपड़े उतरवा लो, कुछ छोड़ जाओ, इसको जान दो, जाओ इसके इसको इसको तुम यहाँ इधर आ, इसके साथ करो जो करना है। क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए, मार नहीं दिया जाए? नहीं, मार दिया जाए। कहे तो हम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। अच्छा, सरदार, सरदार तुम्हारा अंदर हो गया, इसकी बेकारी दूर की जाए। आज से ये सरदार है रंपत सिंह, डाकू रंपत सिंह। रंपत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसके जमाने में बड़ी दारू पी रहा था, मुर्गी टांग खींच रहा था। आजकल क्या हो रहा है? अम्मा का दूध, अम्मा का दूध पी रहा है। अब पप्पा का माठा पी ले। तेरी माँ का बौना मारू, इसको सारे को फेंक दूं ताले में, खाई में फेंक दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसको खाई में नहीं फेंको, छोटा बच्चा है ये। ये बच्चा है, हम भी तो छोटे हैं। हाँ। नहीं, इसको ना फेंको, इसको ना फेंको, ये छोटा बच्चा है। चलो बे, हमारे साथ रहोगे तुम, इसको गोद ले लो इसको। हाँ। चला जाए,
जय भवानी। अबे छोटू यार, ये लोग तो बड़ा अत्याचार कर रहे हैं यार। बड़ा डाका डाल रहे हैं, गांव वालों को लूट रहे हैं। लेकिन इन लोग को भी मालूम नहीं है कि कल रात में हमारे सरदार जी जेल से फरार हो चुके हैं। ये रंपत सिंह जो डाकू बन चुका है ना, चलते हैं सरदार जी के पास, पूरी एक एक बात बताते हैं। कालिया अभी तक क्यों नहीं आया भाई? जय भवानी सरदार जी। नरम सिंह तुम कहां थे? सरदार जी, जब से पता चला कि आपको मुनीम की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो मैं भी एक एक चप्पा चप्पा देख रहा था कि आपको निकाला कहां से जाए। उस हरामजादे की वजह से तीन महीने मैंने जेल में काटे। नरम सिंह, उस हरामजादे को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। सरदार जी, आप आ गए। अरे तुम, मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके जाने के बाद। क्या करें, हमें इतनी फुर्सत ही नहीं मिली। हम तो जेल में थे, एकदम अचानक मैं वहां से फरार हो गया। हाँ, मुझे पता चला उस मुनीम के बारे में। छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। ये आपके जाने में बहुत रोती रही है। हम ही इसको बहुत ख्याल रखते थे सरदार जी, बहुत ध्यान दिया सरदार जी आपके ना रहने पे। अरे मुझे मालूम है, आप इसी की वजह से पुलिस की नौकरी छोड़ के डाकू बने हैं। मुझे मालूम है ये बात। जी सरदार। हाँ, क्या आप पे बड़ा अत्याचार हुआ है आपकी? अरे सरदार जी, पूछो नहीं क्या क्या हो रहा है। कालिया गया है अभी, बस आ ही रहा होगा। मैंने कालिया को भेजा था लेकिन कालिया खबर लेके नहीं आया। बस आता ही होगा। आ गया सरदार जी। क्या खबर है कालिया? सरदार जी, बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। क्या खबर है? वो जो है ना, वो कमीना, वो रंपत सिंह हो गया अब। हाँ, कौन? डाकू बन गया है। डाकू? गांव में डाके डाल रहा है, गरीबों को लूट रहा है। अरे वो लुटिया चोर रंपत। हाँ, अब बदनामी आपकी हो रही है। अरे वो हरामखोर रंपत। हाँ, वो जो लड़कियों को तकता रहता है, वो रंपत। वही। अरे वो तो बड़ा छछोरा है। अब क्या किया जाए आप ही बताइए। अच्छा, वो जो है चश्मे वाला जो लड़कियां सप्लाई करता है। हाँ हाँ, खूब मिलाई जोड़ी। तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ क्या? हाँ बताओ। पतोली। कालिया, सरदार जी, खूब मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कूड़ी। अब आप ही बताइए क्या होना चाहिए। एक लड़कियां सप्लाई करता है और दूसरा लड़कियों को छेड़ता है, ताकता है। कोई भी लड़की आ जाए, उसका बचपन का शौक है ये कि लड़कियां देखता रहता है, ताकता रहता है। और वो डकैती डालेगा हमारे सामने, उसकी इतनी औकात। कालिया, वो दोनों मिलेंगे कहां? हमें मालूम है। बताओ कालिया। वो जो मुनीम नहीं है? कौन मुनीम? वही मुनीम जिसको हम लोगों ने लूटा था, जिसने हमको जेल भिजवाया था, जिसकी वजह से आप जेल गए थे। आज मौका मिला है उस हरामजादे से बदला लेने का। आज उसी के यहाँ सुना है नाच गाना है और वो लोग वहीं मिलेंगे। सरदार जी, सरदार जी, अगर आप हमें इजाजत दें तो कहिए तो आज उस महफिल का रंग हम जमाएं। नहीं। और उस रंग में भंग आप डालेंगे। नैम सिंह। सरदार जी, वैसे ये सही कह रही है, इसे वहां पर एक नर्तंगा पेश किया जाए ताकि ये वहां नाच गाए और उनका मनोरंजन करे। उसी बीच सरदार जी सोच लो। नैम सिंह। सरदार, दुश्मन को मारने से पहले जरूरी है दुश्मन को जानना, और ये काम ये बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। एक सरदार, तुम इसके साथ जाओगे और जब सारा गिरोह रंपत सिंह का वहां मौजूद हो तो मुझे इशारा करना। आप एक काम करिए सरदार जी, हम में से किसी को उसके गिरोह में शामिल कर दीजिए,
वही उसको वहाँ पर पहुँचाएगा। ये काम कालिया से अच्छा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कालिया। ठीक है सरदार जी, जो आपका हुकुम। और सुनो, हाँ वहाँ नौकर के भेष में मैं भी मौजूद होऊंगा। ठीक है, और तुम भी अपना भेष बदल के जाना। और तुम्हें जो कुछ करना है तुम अच्छी तरह जानती हो। और तुम इसको तुम अपने साथ ले जाना। अगली मुलाकात मुनीम के यहाँ होगी। ठीक है सरदार। जय भवानी। जय भवानी।